आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहा जा रहा है कि भाजपा में जो है 70 साल से ऊपर के जो नेता हो गए हैं उनका टिकट इस बार कटेगा और भाजपा ने पटना के मिलर स्कूल से ये संदेश दे दिया है कि इस बार जो विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है युवा समागम, उसमें तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं। आप देख सकते हैं तमाम युवा कार्यकर्ता जुटे हैं और इन्हीं से हम जान लेते हैं युवाओं को टिकट मिलेगा, बूढ़ों का कटेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहे मिलना चाहिए, युवाओं को भी मिलना चाहिए। तो युवा का तो मिल ही रहा है, बूढ़ों का कटेगा, बूढ़ा छोड़ेंगे इतनी जल्दी गलती? सब काहे छोड़ेंगे, वो लोग तो भाई नेतृत्व तो कर ही रहे हैं ना पीछे से। सब मिलके ना पार्टी को संभाले हुए हैं, सब मिलके पार्टी करेंगे। युवा नेतृत्व तो आना चाहिए कि नहीं भाजपा में? आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? युवा के बगैर कहाँ कुछ चल रहा है आज के डेट में, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि 24 का चुनाव जब लड़ेंगे प्रधानमंत्री तो वो भी जो है 72 साल के हो गए रहे हैं। हाँ। तो क्या हो गया, नरेंद्र मोदी है तो उनके बाद जो फिर जो है फिर वो संभालेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई भाजपा में नहीं है? काहे नहीं है, कौन है? नरेंद्र मोदी भी अच्छे हैं। अरे अच्छे हैं तो वही है, हाँ, अच्छे हैं। हाँ, उनसे भी अच्छा कोई भाजपा में है कि नहीं? योगी जी हैं। योगी जी, हाँ, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? काहे नहीं बनना चाहिए, मोदी जी के बाद तो वही संभालेंगे ही। अनाउंस कर दिए आपने? नहीं, हम लोग चाहते हैं जो योगी जी बने। 2024 में चुनाव होगा, 2029 में फिर चुनाव होगा। हाँ, 2029 में योगी जी बनेंगे तो काहे नहीं बनेंगे? वो भी जो है 73 साल के हो गए रहेंगे। तो इसमें सर आप क्या करिएगा, तो हो जाएंगे, हो जाएंगे। चलिए, युवाओं की बात हो रही है, युवा को कहाँ नेतृत्व मिल रहा है? उस हिसाब से तो 2024 में ही प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए था, 72 साल के हो गए। नहीं नहीं, युवा जो है सो डंडा है किसी भी झंडा का, तो सीखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए युवा मोर्चा में। झंडा ढोने के लिए युवा है? नहीं, उस वहाँ सीखने मिलता है, युवा को सीखने के लिए मिलता है, इसलिए युवा मोर्चा में रहना जरूरी है। यहाँ से सीख आप एक्सपीरियंस लेके फिर आप एक अच्छे वक्ता एक अच्छे नेता हो सकते हैं। तुम लोग सीखने आए हो ना? अभी देखिए देखिए, ये सीखने आए हैं, सीखने आए हो? हाँ। पार्टी में? हाँ। क्या सीखने आए हो? हम लोग भी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो? देश का भविष्य। देश का भविष्य बनना चाहते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। गृह मंत्री देश का? अमित शाह। और बिहार का गृह मंत्री? बिहार का गृह मंत्री श्री बोलिए वही तो। क्या बनना चाहते हो पार्टी में? प्रधानमंत्री। पार्टी में बनने के लिए खर्चा करना पड़ता है? जो होगा हो जाएगा, खर्चा का छोड़िए, ऑफ कोर्स करेंगे। हा? करेंगे ऑफ कोर्स करके करेंगे, मेहनत से नहीं करेंगे, मेहनत से जो चीज होगा उस चीज करेंगे, लेकिन जाएंगे जाएंगे दूसरा पार्टी में? नहीं नहीं सर, नहीं सर, हम लोग मधुबनी जिला घर है, मधुबनी जिला घर, यहाँ पे नहीं आप आते, तो यहाँ पे नहीं आते। और ये जो है ये मोदी की गारंटी आप देख रहे हैं, भले हम बिहार के प्रदेश कार्यालय में खड़े हैं लेकिन देखिए छोटे बच्चे भी कह रहे कि भैया भैया जितना खर्चा होगा करेंगे लेकिन साथ जुड़े रहेंगे भाजपा के ही। अब देखिए ये भी दिखाते हैं, भाजपा कार्यालय में आज देखने को आपको मिलेगा कि ये भी युवा है। कहाँ से आए हैं? नहर भगवतीपुर। कहाँ से? नहर भगवतीपुर। काहे के लिए आए हैं? बीजेपी से। बीजेपी के लिए? कहा है बीजेपी में? मीटिंग है। कौन चीज का? दिला परिषद का। जिला परिषद का? जिला परिषद का मीटिंग है। मैंने कौन लेके आया है आपको? भैया। ये भैया लेके आया? जिला परिषद का मीटिंग है? नहीं, हमारे यहाँ हम मधुबनी जिला से बोल रहे हैं। श्याम जी, क्या कतल छे? क्या कह के लाया गया होगा आपको? चलो आज पटना में घूमना है ना? पक्का? तो पक्का। अब देख लीजिए आप, बार बार हम ये बातें कहते हैं कि भीड़ जिसको आना हो तो आएंगे, जो समझते हैं जिनका भाजपा में आस्था है वो तो आएंगे ही, लेकिन नेता बनने के लिए भी भीड़ जुटाई जाती है, जैसा कि हमने उसकी वानगी आपको दिखा दी। ये भाजपा में ही सिर्फ नहीं है, ये तमाम पार्टियों में भी है। उस छोटे से बच्चे ने जो कहा कि हमारे अंदर जुनून है, हम भाजपा की नीतियों को देखकर भले अभी उसकी उम्र नहीं हुई हो हम पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन युवाओं का क्या फर्ज बनता है
आज के युवा यदि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो रील बनाने लगते हैं, मदद के लिए कोई नहीं जाता। विवेकानंद की जयंती पर युवा समागम जुटा हुआ है। युवाओं का फर्ज युवा खुद ही भूलते जा रहे हैं कि देश की कैसे सेवा करनी है, देश का कैसे विकास करना है, समाज को किस तरीके से आगे लाना। कहना पड़ेगा कि जितने युवा आज के डेट में जुड़ रहे हैं भाजपा से, उन्होंने एक बात को ठाना है कि उन्हें मोदी की गारंटी जो है, चाहे वो रोजगार की गारंटी हो, MSI की गारंटी हो, स्वास्थ्य की गारंटी हो, तभी आज इतना बड़ा युवा जो है वो भाजपा के साथ चलने को तैयार हुआ है। और जहां प्रधानमंत्री ये बात भी कहते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी आज के डेट में युवाओं की है, और युवाओं के कंधे पर आने वाले समय पर जो दायित्व तो मिलेगा वो युवा संभालने के लिए अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव में भाजपा के युवक किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।